मैं मनजीत कौर स्वागत करती हाँ तुहाडा सारिआं दा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। मेरे वल्लों सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। अज दी वीडियो दे विच आपां खीर बना के तैयार करांगे। ये खीर बहुत ज़्यादा वधिया बन के तैयार होगी। खीर बनाउण लई 2 किलो फुल क्रीम दुध लिया आ। 2 किलो दुध दे विच असी 125 ग्राम चौल पाउणे आ। ये बासमती चौल आ, चौलां दी जिहड़ी कणी आउंदी आ उह असी इहदे विच इस्तेमाल करनी आ। चौलों की कनी जिहड़ी आ तुसी खिचड़ी दे विच ते खीर दे विच दोनों दे विच इस्तेमाल कर सकते हो। 125 ग्राम ही असी इहदे विच खंड पानी आ। खंड तुसी अपने स्वाद दे हिसाब नाल घट वध कर सकते हो। ये खीर नूं जे तां तुसी पूड़ियां दे नाल बना के सर्व करना आ फिर तुसी इहदे विच 75 ग्राम खंड पानी आ। जे तुसी वैसे खीर नूं बना रहे हो घर दे विच कभी कुछ मिठा खाण दा मन हुंदा तां तुसी खीर बनांदे हो फिर तुसी 2 किलो दे विच 125 ग्राम खंड पा सकते हो। 2 चमचे सौगी लई आ, 8-10 बादाम ने, 2 चमचे आपां बरीक कट के नारियल लै लिया ते 6-7 इहदे विच असी इलायचियां हरियां पाउणियां आ। इलायचियां दे जिहड़े दाणे आ उह असी कढ लैणे आ ते दाणे असी इलायचियां दे इहदे विच पा देणे आ। ये जिहड़े चौल आ चौलां नूं चंगे तरीके दे नाल 4-5 वारी पानी दे विच धो के उस तो बाद अद्धे घंटे वास्ते असी इहनां नूं भिओ के रख देना आ। जिहड़े चौल आ मैं पहलां ही भिओ के रखे हुए आ, ये चौलां दे नाल असी खीर बनाउणी आ, उह चौल असी साइड ते कर देने आ। खीर आपां कढ़ाई दे विच बना के तैयार करांगे। खीर नूं बनाउण लई जिहड़ा तुसी भांडा लैणा आ, एक तां उहदा तला थोड़ा जिहा भारा होणा चाहीदा आ ते दूसरा जिवें हुण असी 2 किलो दुध लिया आ ते भांडा खुला होना चाहिए कि उहदे विच 3-3.5 किलो दुध आ सके, क्योंकि खीर जदों पाउंदी आ उह थोड़ी उबलदी आ तां कि फिर उह बाहर ना निकले। हुण सब तो पहला असी 2-3 चमचे पानी दे लैणे आ। पानी लै के कढ़ाई दे उपर इदां पा देणे आ। सारी कढ़ाई दे उत्ते असी पानी दी इक लेयर जी बना देणी आ तां कि दुध जिहड़ा आ उह तले दे नाल लगे ना। हुण दुध पा देंगे। दुध लग गया उबलन, कड़छी जिहड़ी आ आपां कढ़ाई दे थले तक मारनी आ ताकि दुध थले ना लगे। 15 तों 20 मिनट हो गए आ दुध नूं रिझांदे हुए, दुध रिज गया। हुण इहदे विच आपां चौल पा देणे आ। दुध नूं आपां 15-20 मिनट लई तां रिझाया सी ताकि दुध दे विच जिहड़ा आ थोड़ा जिहा गाढ़ापन आ जावे ते खीर दे विच खोए वाला स्वाद आवे। पाँच सत्त मिनट हो गए आ खीर नूं पकते हुए, चौल जिहड़े अगे नालों काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए आ। भिओ के जदों आपां चौल पाउंदे आ तां उह छेती पक जांदे आ। हुण असीं इहदे विच खोपा जिहड़ा कट के रखिआ बरीक कट के इह पा देणा आ, क्योंकि इह पक्कण लई थोड़ा जिहा टाइम लैंदा आ, इह फिर खीर दे नाल ही नरम हो जाऊगा। पंद्रह तो 20 मिनट हो गए आ खीर नूं पकदे हुए। खीर देखो, खीर हजे पूरी तरह बनी नहीं आ। जदों आपां खीर नूं इहदा थले नूं सिटदे आ तां दुध अलग आ ते चौल अलग आ। खीर इस तरह की होनी चाहीदी आ कि दुध ते चौल एकदम मिले हुए होने चाहीदे आ, फिर खीर देखण दे विच वी वधिया लगदी आ ते खाण दे विच वी इहदा स्वाद फिर वधिया आउंदा आ। हुण असीं इहदे विच खंड पा देणी आ। बादाम पा देंगे, थोड़े जे रख लेंगे उपर वास्ते गार्निश कर देंगे। सौगी भी पा देंगे, इलायची के दाने मिला देंगे। एक बार मिला के 5-7 मिनट लिए असी इनू हले होर पकाना है। खीर बन के तैयार आ। दुध ते चौल देखो एकदम नाल मिल गए, यह नहीं कि दुध अलग आ चौल अलग आ फिर खीर जिहड़ी आ देखण दे विच वी वधिया नहीं लगती। एकदम चंगे तरीके दे नाल आपां इहनूं रिझा लिया। 8-10 मिनट होर लगे इहनूं रिझाउण लई, पूरे असीं इहनूं
30 तो 35 मिनट तक असी रिझाया। हुण अखीर दे विच असी इहदे विच अद्धा छोटा चमचा इलायची पाउडर पावांगे। इलायची पाउडर दा जिहड़ा स्वाद आ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਖੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਖੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਖੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੀਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।